रोता चाहेगा राजा तोरे बोली के भरोसा चाहेगा राजा तोरे बोली के भरोसा चाहेगा देखा था वे बानी मोला छोड़ दे बेकार नान्हे पन के नाता नाते तोड़े दे बेकार चना फुटे ना हाफुरे माँ रे फुठिरे फूटे ना हाँ फुरे माँ रे तोरे मोरे जोड़ी हा मरे माँ रे जय जोहर जय छत्तीसगढ़ मैं आप मन के भाई उमेश कर्मा और आप जम्मू मन के हमारे मितान छत्तीसगढ़ चैनल में स्वागत है वेलकम है जय जोहार है संगवारी हो जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार तो आप मन दिखा देते हम छत्तीसगढ़ के कल्चर गीत संगीत और साथ ही साथ संगवारी हो आप पहले छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े कलाकार मन के इंटरव्यू ला दे रहे दिखा देते हैं गोर बात करा रहते हैं वो आपमन के बीच रखते रहता तो संगवारी हो आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार जो छत्तीसगढ़ में अपन आवाज़ की छटा बिखेरा थे स्वर कोकिला और जाने माने गायिका आप मन के बीच रीठा निषाद जी है और बिल्कुल ओखर से बात करबो जानबो ओखर जीवन शैली के बारे में ओखर कला यात्रा कब से शुरुआत हुई से कहाँ के रहने वाला है और अभी क्या करते हैं बिल्कुल सब ये सब चीज़ ये वीडियो के माध्यम से जानबो गोट बात करबो लेकिन आप मन से निवेदन है भाई अभी तक आप मन हमारे मितान क्षेत्र चैनल ला आप मन सब्सक्राइब नहीं कर तो फटाफट सब्सक्राइब करो शेयर करो अपन आशीर्वाद दो नया उजलार दो तो चलो समझ ज़्यादा वे हम नहीं करें और सीधा गोट बात के सिलसिला आगे बढ़ातन तो सबसे पहले मैडम जी आप मन के हमारे मितान्श चैनल में स्वागत है जय जोहार है वेलकम है और अभी आप मन बताते हो कि आप मन के इसे जन्म कहाँ हुए हैं और वर्तमान में अभी कहाँ है हमारे दर्शक बताते हो जी मेरा जन्म आरंग में हुआ है और मैं वहीं पे पढ़ाई की हूँ ट्वेल्थ पास आउट की हूँ मैं अच्छा, उसके बाद मेरा यहीं रेजिडेंसी है गया कुम्हारी में ही क्योंकि अच्छा, तो पापा की सर्विस पहले देवभोग में थी फिर अभी रायपुर में थी अभी मेरे फादर नहीं रहे एक्सपायर हो गए हैं और तब से मैं कुम्हारी में ही रहती हूँ बढ़िया बहुत अच्छा अब बात करें मैडम जी जैसे कि आप मन एक स्वर कुकीला गायिका हो गीत भी गाता हूँ ये छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कराता अपन आवाज़ के छटा बिखेरा था ये छत्तीसगढ़ महतारी में ये छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में लोगन मन के बीच आप आपन अपन आवाज़ के छटा बिखेरा था तो वो कलाकारी की जैसे कि शुरुआत आप मन के कैसे टाइप के, के रुझान से आप मन कब से शुरुआत करे अब ये लाइन में आए बार आप मतलब कितना परेशानी से और का कुछ इला हमारे दर्शक बताते हो आप मन ऐसे मैं 2009 से कुम्हारी में आई हुई थी तो 2011 की बात है एक छोटी सी किराने की दुकान है वहाँ मैं ऐसे गाना गुनगुनाते रहती थी हमेशा जब भी सामान लेने जाती, जी, जी, जाती थी अच्छा। तो यहीं कुम्हारी के एक रहवासी हैं आर डी वर्मा आर डी राव जी उनका नाम है उनका तो वो मेरे गाने को सुने उनको लगा कि शायद मैं गाना गाती हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा गाना गाते हो आप मैंने बोले हाँ इंटरेस्ट रखती हूँ तो उन्होंने यहीं के जो दूरदर्शन के हेड है महेश वर्मा जी कुम्हारी में रेसिडेंसी उनका हाँ। तो उनसे बात की तो महेश वर्मा जी ने मेरा आवाज़ सुना फिर डायरेक्टली उन्होंने डायरेक्टली कुम्हारी के महामाया मंदिर में, में मेरा शूटिंग रखवा दिया अच्छा। उस समय मैंने पहला गाना गाया एक दो गाने गाए उसके बाद मैं टीवी में विविध भारती वगैरह में आती थी तो फिर घर पर जाने पापा मम्मी सभी ने जाना फिर तब से स्टार्ट है मेरा 2011 से समथिंग मैंने कलाकारी शुरुआत की है तब से अभी तक कर रही हूँ सपोर्ट तो सबका मिला है माँ पापा आ, फैमिली सास ससुर सबका और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मेरे हस्बैंड का क्योंकि हस्बैंड साथ दिए तभी मैं यहाँ तक बड़ी हूँ हस्बैंड सपोर्ट बहुत सपोर्ट बहुत जरूरी होता है एक बहुं, बहुं, बहुं। वाइफ के लिए आई थिंक और देख तो हो लगातार आप मन के बीच गीत और संगीत लावाते हमारे मैडम जी हाँ और बिल्कुल आप मन आशीर्वाद दो अपन माया उलार दो ताकि इसने आप मन के बीच नया नया गीत और संगीत लावाता रहा है आप मन के बीच आप मान लरा करत कर चाहे वो मंच के माध्यम से हो चाहे वो कैसेट के माध्यम से हो तो अभी आप मन के इसे बात करें पढ़ाई के क्षेत्र में तो इसे पढ़ाई कहाँ तक हमारे बताते हैं जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैंने अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएट किया है और मास्टर कनेक्ट कोर्स भी किया है मैंने कंप्यूटर में और बी सी मेरा कम्प्लीट है अच्छा। बस और बस इतना ही पढ़ाई किया है मैंने और घर पे बच्ची को पढ़ाती हूँ बस और जी अब बात करें जैसे लोक कला मंच की जैसे कि आप मन पहला मंच आप मन की जो कलाकारी की शुरुआत हुई से तो पहला मंच कहाँ दे रहे हैं और कैसे अनुभव रही से ला हमारे दर्शक बताते हैं आप मन के जी मेरा पहला मंच तो मुझे एग्जेक्ट गांव याद नहीं है बेला तरफ का एक गांव था वहाँ मैंने पहला मंच फाइट किया था वहाँ पे सारे दिग्गज दिग्गज कलाकार हमारे कार जी आरती बाले जी सावित्री कहार जी सभी आए हुए थे उस समय मैंने पहला मंच और पहला गाना अरपा पैरी के धार गाया हुआ था बहुत समय बहुत छोटी थी तब से मेरी कला जगत शुरू है तब से ही कई लोगों ने मुझे जाना कि मैं गाना गाती हूँ काफ़ी छोटी थी तो कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे कि गाना गा सकती है कि नहीं फिर मैंने खुद स्ट्रगल किया मैंने सोचा नहीं छत्तीसगढ़ी गाना मुझे सीखना चाहिए नहीं। क्योंकि नहीं। मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती मैं इतना ही बता दूं मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो फिर मैंने सीखा छत्तीसगढ़ी गाने जी सीखी छत्तीसगढ़ी बोलना सीखा फिर भी टूटी फूटी बोलती हूँ आती नहीं मुझे छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा जैसे कि आप मना गीत गाता हो मंच के माध्यम से चाहे वो कैसेट के माध्यम से हो तो ये जो आप मन जो गीत है वो कैसे टाइप के तैयारी करता हो इमा थोड़ा सा हमारे दर्शक ला बता कैसे छत्तीसगढ़ी गाने जैसे कुछ आते हैं हाँ। पब्लिक चॉइस होती है तो जैसे मुझे नहीं आता वो गाना तो मैं घर में आकर उसे सुनती हूँ अच्छा, यूट्यूब से निकाल के सुनती हूँ और किसी किसी चीज़ का मीनिंग मुझे नहीं पता था छत्तीसगढ़ी हाँ। तो मैं हस्बैंड से पूछती हूँ इसका मीनिंग क्या है क्योंकि तो मीनिंग जान के ही उसको मैं भावात्मक रूप से गा सकती हूँ और दिल से गा सकती हूँ उसका मीनिंग जानकर तो मैं इसी तरह से गानों की तैयारी करती हूँ उसको मैं तुरंत लिखती हूँ डायरी में उसके बाद सेकेंड मंच में उसको प्रस्तुत कर देती हूँ अब हर दर्शक मन फिर असकटाह हुई हुई बस गोठे बात करत मैडम के साथ कुछ गीत उतने ही सुनामा थे तो मैडम जी आप मन से निवेदन है कि हमार दर्शक मन ला बढ़िया सरीक जो दो लाइन बढ़िया सरीक जो गीत आप मन गात हो चाहे मंच के माध्यम से हो चाहे कैसेट के, के माध्यम से हो बोला ला हमार दर्शक ला सुना ताकि मन के मन गदगद हो जाए तो हमार दर्शक ला दो लाइन सुनाते जी गाने तो मैंने बचपन से ही गाए हैं लेकिन बहुत सारे गाने माइंड में याद भी नहीं होते हम गा लेते हैं जी। अभी एक गाना अभी आया हुआ था यूट्यूब में आउट हुआ है जिसको मेरे हस्बैंड तिलोचन निषाद जी ने लिखा हुआ है मैं वही वह गाना गा देती हूँ कब कब मोला देखे बरे आ रे कब मोला देखे बरे आबेरे सुरता नहीं भुलावे तो सुरता नहीं भुलावे तो नींद नहीं आवेरे कब कब मोना देखे बर आवे रे कब कब मोना देखे बर आवे रे क्या बात है बहुत ही सुंदर आवाज़ कोकिला आवाज़ और बिल्कुल संगीत संगवारी वो आप मतलब पसंद आत हो बिल्कुल ऐसा अपन आशीर्वाद दो हमारे मैडम जी ला अपन माया उदुलार दो अब बात करें देखो कहीं ना कहीं गुरु कहीं ना कहीं हमला जेखर से सीखे मिलते कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होते तो ऐसे मैडम जी आप मन कौन लाइक जेखर से आप मतलब सीखे मिली सो ही तो कौन ला आप मन स्रोत मानतो आप अपन मैं मेरी प्रेरणा स्रोत तो हमेशा बॉलीवुड की एक गायिका हैं लता मंगेशकर जी, जी। अच्छा। वही मेरे प्रेरणा स्रोत रही मैंने हमेशा बचपन सोचा कि मैं अगर मैं गायिका बनूँ तो इनके जैसे बनूँ क्योंकि वो नाम से ही काफ़ी हैं और मेरे ख्याल से कला जगत में नाम ही काफ़ी होता है और बाकी प्रेरणा स्रोत मैंने शुरू से कहा हस्बैंड का सपोर्ट तो मैंने अपने हस्बैंड को ही देखा वो कला जगत में जितने पारंगत हैं उतने मैं भी नहीं हूँ बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे उनसे कि कला जगत होता क्या है उतार चढ़ाव क्या होते हैं क्योंकि मैं यहाँ से नहीं थी आपको मैंने बताया तो छत्तीसगढ़ को समझने में और छत्तीसगढ़ी लोगों को समझने में मुझे आज भी तकलीफ़ होती है बाकी सपोर्ट तो सबका है लेकिन वही चीज़ मेरे हस्बैंड से सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला है मैं आज भी बोलती हूँ उस चीज़ को और मैडम जी ऐसे आप मैंने छत्तीसगढ़ में बन गई तो संगीत के छटा बिखेरते हो है ना लोगन मन के बीच चाहे वो मंच के माध्यम से हो तो जैसे कि आप मन ऐसे कौन सा जगह दे रहे हो छत्तीसगढ़ के प्रांत में है ना जहाँ आप मतलब लगे कि हाँ बोला यहाँ कार्यक्रम दे हों यहाँ प्रस्तुति दे हों तो मुला अच्छा लगे जैसे कोई जगह जो आप मतलब खुशी मिली सो ऐसे थोड़ा जगह का नाम बताते हो यार मंच प्रस्तुत करे वो ऐसी तो सर बहुत सारे मंच किया है मैंने यादगार, <laughs> यादगार मेरा एक ही था जब मैं लोक रंग अर्जुंदा में कार्य करती थी तो वहाँ पे एक विवेकानंद प्रोजेक्ट बना हुआ था तो उसके सिलसिले में हम लखनऊ गए हुए थे लखनऊ तो वो मंच में मैंने जब प्रोग्राम किया तो वो मंच मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है क्योंकि अच्छा। उस मंच को मैंने देखा कि हाँ वहाँ क्योंकि लोकनगर जिंदा तो काफ़ी नामी पार्टी है और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उस मंच में जाके मैंने देखा कि हाँ वाकई छत्तीसगढ़ी संस्कृति की कला जगत मतलब ये होती है कलाकारी वहाँ मैंने ऑब्जॉर्व किया वो मंच मैंने बहुत बढ़िया है मंच का मुझे नाम नहीं पता लखनऊ में है लेकिन काफ़ी बड़ा मंच सभागार है वो वहीं पे हुआ था प्रोग्राम उसके बाद तो हर मंच को हम कलाकार अच्छा बना देते हैं क्या बात ऐसा है। है। अब बात करन मैडम जी जैसे कि आप मन का है लगातार आप मन हा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो कलाकार मन के बीच आप मन संगत करें अब बड़े कलाकार के बात करें तो ऐसे आप मन कौन कौन कलाकार के साथ आप मन गीत गाओ या मंच दे हो या संगत करे हो इला हमारे दर्शक ला बताते हो जी मैं सुनील सोनी जी के साथ कार्य कर चुकी हूँ हमारे दूरदर्शन कलाकार बरातू यादव जी हैं गिरधारी विश्वकर्मा जी हैं राजेंद्र साहू जी हैं बहारू यादव जी हैं शेर है, अली जी हैं और काफ़ी बहुत सारे हैं जिनका तो मुझे नाम ही नहीं पता दूरदर्शन क्योंकि मैं उस समय नहीं नही थी अब वो काफ़ी पुराने थे अब वो यंगेस्ट हो गए यहीं के कुम्हारी के भेक देवांगन जी हैं उनके साथ मैंने काम किया है अगे बहुत सारे असर है लेकिन मुझे याद ही नहीं है कहीं नाम मुझे याद नहीं जी, जी, है अच्छा। जी अब मैडम जी जिसे बात करन अब हमारे छत्तीसगढ़ में इसे दिग्गज गायिका भी है पद्मश्री ममता चंद्राकर अलका चंद्राकर कविता वाष्निक तो ऐसे आप मन अपमन कौनला आप मन एक प्रमुख गायिका के रूप में देखता हो मानता हो कि हाँ मैं एकर आवाज़ या मुला अच्छा लगते इसे कोई जी मुझे छत्तीसगढ़ में अलका चंद्राकर जी की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि हाँ। उनकी वॉइस में बहुत एक खनक है और मैं एक दिल से इच्छा रखती हूँ कि एक बार उनके सामने मेरा संगत हो जाए मेरा बचपन से आज तक कभी संगत नहीं हुआ है तो अलका चंद्राकर जी से फेस टू फेस मिलना भी चाहूंगी और उनके साथ गाना भी गाना चाहूंगी मेरी दिली इच्छा है तो हमारे फिर दर्शक का मन फिर कहा जी जी हम दूरदर्शन में मैंने एक गाना गाया हुआ था बरातू यादव जी के साथ में उसे गुनगुना देती हूँ कांटे भर सुपारी के सरोता चाहेगा कांटे भर सुपारी के सरोता चाहेगा राजा तोरे बोली के भरोसा चाहेगा राजा तोरे बोली के भरोसा चाहेगा देखा था वे बानी मोला छोड़े दे बेकारे पन के नाता दे बेकारे चनाऊ फुटे ना हाफोरे माँ रे चनाऊँ फुटे ना हाफोरे माँ फूटे रे तोरे मोरे जोड़ी हा मरे माँ रे तोरे मोरे जोड़ी हा मरे माँ छो क्या बात है बहुत ही सुंदर आवाज को आवाज और बिल्कुल संगवारी संगी संगमान देखा तो मैडम जी ला बिल्कुल अपन आशीर्वाद दो अब बात करें मैडम जी आप मन कई ठन एल्बम में अपन अभिनय के भी छटा बिखेरे हो हम देखिए भाई तो आप मना तो गीत गाते हो है ना ये छत्तीसगढ़ के सेवा करते हो तो आप मन के अब बात करें अभिनय के क्षेत्र में आप मन एल्बम में हम कईन नाटक में भी आप माला देखिए तो इसे उमा कहा अनुभव रही आप मन के अभिनय के क्षेत्र में बात करें तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मुझे तो मैंने बोला ना छत्तीसगढ़ आती नहीं थी तो जब कुछ वीडियो बनते थे कुछ टैग होता था तो मुझे उस लाइन को दोहराना पड़ता था मुझे रिपीट करना पड़ता था मैं इसको प्रैक्टिस करती थी मुझे बोलना क्या है और एक बार में बोल नहीं पाती थी तो बहुत गलत भी होती थी तो थोड़ा सा फीलिंग होता था कि छत्तीसगढ़ी मुझे नहीं आती सीखना चाहिए मुझे बाकी सिखाने वाले बहुत सारे हो जाते हैं अगर आप सीखना चाहो तो और इंसान सीखना नहीं चाहे तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा मुझे सिखाने के लिए कई लोगों ने सामने आए मेरी बेटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मम्मी ऐसा बोलते हैं मम्मी वैसा बोलते हैं फिर मैंने सीखते गई सीखते गई और बाकी गाने वीडियो वगैरह तो मेरे हस्बैंड के साथ ही किया है अदरवाइज किसी के साथ नहीं किया क्योंकि दूसरे के साथ मेरा कॉम्बिनेशन ही नहीं जमता मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती है क्योंकि इस फील्ड में नहीं हूँ मैं गायकी में ते के साथ भी गा गाऊँगी लेकिन एक वीडियो की बात होती है थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती दूसरे हीरो के साथ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चना केदार राजा और संगवारी रे गाना किया है मैंने दो तीन गाने और भी किए हैं बाकी कॉमेडी शो देखे होंगे उसमें भी मैंने किया है कॉमेडी शो में आती हूँ आप मन की मैडम जी आप मन की गुड़िया के नाम बताते हो आप में जी में। मेरी बेटी का नाम ग्रेशी निषाद है सेवन इयर्स की है और काफी सपोर्ट करती है।, है मुझे हस्बैंड के साथ मेरी बेटी भी सपोर्ट करती है क्योंकि अगर माँ बनने के बाद बहुत दिक्कत होता है कलाकारी क्षेत्र में लेकिन मुझे कभी फीलिंग ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी बच्ची की माँ हूँ जो सपोर्ट नहीं कर पा रही मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि मम्मी आप जाइए मैं अकेले कर सकती हूँ अकेले रह सकती हूँ इवन प्रोग्राम में भी जाएगी तो काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे मेरी बेटी का सपोर्ट मुझे बहुत मिला जी। अब बहुत देख सको हो बोर्ड बात चर्चा चलते है और बिल्कुल भाई आप मन अपन आशीर्वाद दो कमेंट के माध्यम से अब बात करें मैडम जी जैसे कि आप मन लोक रंग अर्जुनदा भी जो बात करें ना मन है। उमा आप मन संगत भी करे हो लगातार उम अपन के कैसे अनुभव रही है केस हाल अपन समय दे हो और का कुछ वहाँ से आप मन सीखे मिले हमारे दर्शकला बताते समथिंग लोक रंग और में मैंने आठ नौ साल काम किया है लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं किया बीच अच्छा, में गैप करे करती गई जब मैरिज अच्छा, हुई फिर बेबी हुई तो बेबी होने के बाद तुरंत जाना नहीं होता उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था लोक रंग में जाना बाकी अनुभव बहुत कुछ है लोक रंग से मैंने कहा ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत बड़ा वर्कशॉप है वो और वहाँ के जो है डे दीपक चंद्राकर जी बिल्कुल पिता स्वरूप सबको लेकर चलते हैं और किसी गलती भी हो जाए तब भी उसको सुधार कर आगे बढ़ना सिखाते हैं और वहाँ से मैंने सीखा तभी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके मैं अभी कला गर, कला जगत में ले रही हूँ बहुत अच्छा और बात करें मैडम जी की जैसे कि अब अभी देखा था कि मुझसे ऐसे गीत संगीत बना थे है ना चाहे आप पहले के गीत संगीत और अभी के गीत संगीत बहुत ही अंतर हो गए तो इमा आप मन देख था क्या कहना चाहते हैं मैडम जी आप चाहता पहले के गीत संगीत और अभी के के गीत गीत संगीत संगीत में पहले ना आ, सुनने के बाद ना उसको दोबारा सुनने का मन करता था अभी के गीत संगीत ना एक बार सुनने के बाद दोबारा मन भी नहीं करता नहीं। और बहुत सारी फुहरता है अभी के लोक संगीत में और पब्लिक चॉइस है बनाने वाले भी क्या करेंगे पब्लिक को जो पसंद आता है वो बनाते हैं कई जगह अच्छी पब्लिक होती है जो पुराने गाने सुनती है इसे दोनों टाइप के गाने चलते हैं चलन में है लेकिन अभी के गानों को सुनना वाकई थोड़ा सा

एक गाना और है जो वेणु सर जो ईरा फिल्म के फिल्म स्टूडियो के हेड है उन्होंने लिखा था और समय मेरी बेबी पैदा नहीं हुई थी फिर वे गाना मैं रिकॉर्ड किया था पानी पी पी कर मैंने इस गाने को रिकॉर्ड किया था बहुत तकलीफ से गया था वो गाना भी यूट्यूब में है कैसे बताओ जोड़ी हृदय के बार तुर भी न लागे मन मोर तुर बर तर से सावन माँ पानी बर से का मैं बताओ जोड़ी तोला मोर दिल के ही बार कैसे रहूं तोरे बिन यार क्या बात है बहुत ही सुंदर आवाज और देख था, देख सका देख सका था संगवारी हो हमारे बीच स्वर्ग को किला रीठा निषाद जी है और उखर से हम गोट बात करत हन चर्चा करत हन तो मैडम जी आगे अपन इसे गीत संगीत के बारे में बात करन चाहे कलाकारी के बात करन तो आगे इसे अपमन का सोचे हो आगे कला जगत चलते रहेगी मेरी जब तक उम्र, उम्र रहेगी तब तक चलेगी ही क्योंकि उम्र तो कला जगत में बाधित नहीं होती है क्योंकि मैंने कहा ना मेरी प्रेरणा से लता मंगेशकर जी है जब तक उनमें जान थी तब तक कला जगत को ना आगे लेते जाए मैं भी जब तक, तक मेरी प्राण रहेगी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी अंतिम सांस भी हो तो मेरे कला जगत में गाना गाते गाते हो जाए बस जा मेरी यही इच्छा है दिली इच्छा बार। है बार। देख सकें तो संग जो कलाकारी के जुनून बहुत ही है मैडम जिला और बिल्कुल भाई अपन इसने देखा था तो फिर अपन आशीर्वाद दो अपन महोद दुलार दो अब बात करें मैडम जी जैसे कि आप मान ये चैनल के माध्यम से मितान चंद्र चैनल के माध्यम से लोगन देखा थे हमार संगी संगवारी है देखा थे तो ओला आप मन का कहना चाहता हूँ मितान चैनल काफ़ी अच्छा है काफ़ी प्रोग्रेसिव है और आप मन हो कि कहाँ कहाँ से कलाकार मन ढूंढ़ ढूंढ़ के मन यूट्यूब में लाते जला हम नहीं जानन देख एक छत्तीसगढ़ बोल रहे थे महूँ हाँ तो कोशिश करत था। तब मितान चैनल बल में छत्तीसगढ़ में कहा था कि चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करो लाइक करो और ये वीडियो ला देखते रहूँ कमेंट करूँ और कौन कौन कलाकार माला लाना है कमेंट में लिख ए मन खोज खोज हाँ के यहाँ ला वहाँ लाला के लाल के और इंटरव्यू ला आप मन ला दिखा दी बाकी मितान चंद्र के बारे में मौका कहो कहूं, जब कहो तब कम है धन्यवाद सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी कि हमारे मितान छत्तीसगढ़ के लिए तो आप मन दो शब्द बोले लिए और बात करा वन के लास्ट क्वेश्चन अब जैसे कि अभी के जनरेशन में है ना बहुत से कलाकार हो गए अब नया जनरेशन में देखा जाए तो लड़की लड़का मन अगर कलाकारी के क्षेत्र में आना चाहते अभी में, तो उला आप मन का कहना चाहते हो अभी के कलाकर मन आवत मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम काफी स्ट्रगल करे हन तब जाके मंझला कई कलाकार के दिल में जगह बनाते हैं और अभी के कलाकार मन ला कुछ नहीं आए तब बोले मंच में चढ़े के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड हो जाते ता मोर यही कहना है कि फलो फूलो मत ये मोर बाबू जी हमेशा कहा से कि कलाकारी में फलो मगर फूलो मत कि कई जन मतलब तो तुमला अच्छा बोलही तो वाला अच्छा समझ के एकदम चुपचिप बैठ जाना है और बुरा बोली तो वाला बुरा मान के भी चुप चुपचाप ने बैठना है बुरा ला अच्छा करना है अच्छा ला और अच्छा करना है बस कलाकारी में इसने आगे बढ़त रहूँ कि हमन तो बढ़ गए और तुम मन हमला याद करूँ तो करूँ आज से कलाकार मन नहीं करूँ तो को प्रेरणा मत बनाओ अपन आप में खुद प्रेरणा बनाओ और खुद सोचो कि मोला कैसे नाम कमाना है कैसे काबर की पहले में कहा कहीं पहले से मैं कहा था मतलब तो पहले से मैं बोलना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी मोला आए नहीं था शर्म लगते मोला बोले में तो मैं कहा तो हूँ कि अपन नाम बनाऊँ बस अपन नाम चली मतलब इंसान को अपने नाम से जानना चाहिए कि मरने के बाद कोई याद तो रखे कि हाँ ये जैसे मेरा नाम रीता निषाद जी एक गायिका थी जो हमारे बीच नहीं रही और कहीं आप नाम ही नहीं बना पाओगे तो फिर कोई काम का नहीं होता बस पैसों के पीछे मत भागिए आप व्यवहार बना कर रखोगे तो पैसा अपने आप आएगा पैसों के पीछे भागोगे तो व्यवहार कभी नहीं आने वाला क्योंकि लोग ना जिंदगी हो या व्हाट्सएप बस स्टेटस देखते हैं बस इतना याद रखिए धन्यवाद बहुत अच्छा है बोले मैडम जी और बहुत एक अच्छा लोग प्रेरणा शोध दे और बहुत कुछ आप मन से सीखे ला मिली लोग चाहे कलाकार ला और संगवारियो अब हमरो जाए के समय होते लेकिन ऐसे लगे थे बस गोठेज बात करते रहें लगे थे लेकिन कहा करबे हम समय के पाबंद और समय ला दे ध्यान देके काम करना पड़ते लेकिन कहा करबे लेकिन हम भाई इसने विदा नहीं ला हम एक गीत सुनबो सुनबोखर बाद ही विदा लेबो तो मैडम जी जाति बिराती आपमन हमारक ला का गीत सुनाना चाहता हम सुनाते हमर दर्शक मैं का गाना सुना एक ठनाव गाना है जो धारी विश्वकर्मा जी, जी के ही गाना है और उनके साथ मैं दूरदर्शन में गाय रहे हूँ उम्र मोले उन्नीस बीस साल समय हुई रहे गाना मोला ठीक से याद नहीं टूट याद तो कसे पाख होती उड़ के चले आते पंछी पाख होती उड़ के चले आते हूं। बही बरोबर घुमा बर हो बही बरोबर घुमा बर गाँव की गली खोरे माँ तरी सुरता महा सावन सिरागे सावन सिरागे तुर सुरी तहा महा सावन सिरागे सावन सिरागे मन मोहनी का डारे हो मन मोहनी का डारे चेत हरा गे तुर सावन सिरागे सावन सिरागे क्या बात है बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत बिल्कुल भाई आप मतलब कैसे लगते थे मैडम जी रीठा निषाद जी के जो गोड़बात बात और गीत और गायन है कैसे लगे बिल्कुल एक कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताओ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो भाई और वीडियो ला जितना हो सके ये वीडियो ला शेयर करो ताकि पूरा छत्तीसगढ़ पूरा भारत में जाना चाहिए तो सबसे पहले तो मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद अपन अपन समय दे कर लिए लिये मितान छत्तीसगढ़ में अपन कीमती समय देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ठीक है संगमरियो फिर हम जब समय हुआ थे वह बहुत जल्द फिर मिलबो है ना एक नया विचार एक नया वीडियो एक, एक नया कलाकार के साथ फिर भेंट हुई और ठीक है संगमरियो तब तक के लिए जय जवाहर और जय छत्तीसगढ़